स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है दक्ष कार्की। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह हो गई है, मैं नहा धो के पूरा रेडी हो गया हूँ, मैंने ब्रश भी कर लिया, मैंने नाश्ता भी कर लिया और साथ में फ्री हो चुका हूँ, मैंने पूजा भी कर ली है। हाँ, टीका नहीं लगाया, भूल गया मैं। और आज एक खुशखबरी है कि मेरे 60K सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। और मुझको मैं लिखा है हरीला का गाना स्कूल से, क्योंकि कल है मेरे स्कूल में उसी गाने की प्रैक्टिस होगी, तो तभी प्रैक्टिस करूँगा मैं। अभी तो खैर मैं याद कर रहा हूँ, हल्का फुल्का तो हो ही गया है। ये बहाने के लिए ये कंफर्टेबल है अब। बाकी तो कुछ नहीं, मम्मी के घर के सारे काम हो गए, वो अभी नहाने गई है। और तो अभी तो मैं फ्री हूँ, तो उसके बाद आपको कभी कभी और मिलता हूँ। अभी तो खैर अभी तो मैं फ्री हूँ, थोड़ा बहुत फ्री होने के। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में सब कुशल होंगे, हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और आज के दिन की शुरुआत हो गई, काफ़ी लेट हुई है क्योंकि छुट्टी है, तो घर के काम आराम आराम से ही करे हैं। तो बस इसी के साथ जो है व्लॉग अपना स्टार्ट हो गया है, दिन अपना स्टार्ट हो गया है। और दक्ष के आज आप सभी लोगों को पता है 60K सब्सक्राइबर हो गए। एक्चुअली कब, बहुत पहले हो गए थे, बट मैंने व्लॉग में बोला नहीं, तो मैं आज बोलूँगी, तो ये आपको काफ़ी दिनों के बाद देखने के लिए मिलेगा। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से 60,000 फैमिली हमारे साथ जुड़ चुकी है। थैंक यू सो मच। जितना भी थैंक यू कहो उतना कम है, बट मैं चाहती हूँ ये सिलसिला हमारा ऐसे ही बने रहे, आगे हम लोग बढ़ते रहे और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार हम लोगों को मिलता रहे और नई नई चीज़ें हम लोग भी करते रहे अपने जीवन में, जो कि सब कुछ आप लोगों के सामने होंगी। तो बस इसी खुशखबरी के साथ आज का दिन जो है हमारा शुरू हो चुका है। नाश्ता हमने कर लिया, दोपहर का खाना भी मैंने बना लिया है, सारे काम ऑल, मतलब जितने भी काम होते हैं घर के सारे हो चुके हैं, कुछ भी बाकी नहीं है। ब्लॉग भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो बस यही सब कुछ है। अब मैं थोड़ा सा जो है फ़ोन चलाऊंगी, रेस्ट करूंगी, मम्मी से फोन में बात करूंगी, जो कुछ भी है सारी चीज़ें अपनी निपटाऊंगी, और उसके बाद फिर दोबारा आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो जी मित्रों, यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। परसों मैंने उस दिन सूजी का हलवा बनाया था, जो मुझे खाने को नहीं मिला। यहाँ पे थोड़े से काजू बादाम इलायची मैंने रख रखी है, इसमें मैंने डाल दिया सूजी और बेसन भूनने के लिए घी के। और मैं ना सूजी के हलवे में हमेशा यही करती हूँ कि मैं थोड़ा सा बेसन भी ऐड करती हूँ। आप लोग करते हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट जितनी सूजी है उससे थोड़ा कम थोड़ा सा बेसन ऐड करिए, बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने इतनी सी सूजी ली है, तो जैसे मैं इतना सा हलवा बना रही हूँ, तो उसमें मैंने सिर्फ एक चम्मच ऐड किया है। और ये जल भी रहा आप लोगों के साथ ब्लॉग बनाने के चक्कर में, पहले मैं इसको बना लेती हूँ। ये देखिए पकने लग गया है, अभी जब इसका थोड़ा पानी वो निकल जाएगा ना, मैं इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी, मतलब गैस बंद करते समय थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी। ऐसा करने से और ज़्यादा टेस्टी होता है। मेरा पता है क्या है, अगर जैसे कई लोग होते हैं खीर बनाते हैं, मीठा बहुत कम डालते हैं, बट नहीं, लोग हलवा बनाते हैं गाजर का, सूजी का, और उसमें जो है घी कम डालते हैं, बट ऐसा नहीं। मेरा मानना है थोड़ा सा खाओ, बट अच्छा खाओ, टेस्टी खाओ, बिना घी के सारी चीज़ें नहीं बनती हैं, टेस्टी नहीं होती हैं। तो इसको बनाते हैं बे टाइम में, अभी पता नहीं क्यों मेरा मन कर गया, तो मैंने बना लिया ऐसे ही थोड़ा सा अपने लिए। दक्ष का भी मन करा था खाने का, तो थोड़ा सा खाएंगे गर्म। तो मम्मी देखिए इतना ज़्यादा सामान लेके आ, कैमरा तो फोज उसका पूरा गंदा हो रहा है। सेब कितने रुपये किलो हो रहे हैं पता है, 250 रुपये किलो सेब हो रहे हैं करीबन। ये लेके आई हूँ, केले लेके आई हूँ, दक्ष की साइंस की बुक मिल गई बट मैथ की नहीं मिली, अपने दोस्त को बोल रहा हूँ उस एक्सरसाइज की फोटो खींच के भेज दे। और भिंडी कद्दू लेके आई हूँ, अदरक लेके आई हूँ 70 रुपये पाव। सब्जी इतनी महंगी हो रही है, क्या ही बताया जाए आजकल। कितना इतना ज्यादा पसीने के सर, यहाँ से मक्खी से फिसल ली थी, एक मक्खी हमारे घर में घुसी है, ठीक है। हाँ पता है, एक मक्खी घुसी है, वो हमारे घर से निकल ही नहीं रही है। मैं सो रही थी, मुझे सोने में नहीं दिया उस मक्खी ने, मुझे बाबरी इतने ज्यादा परेशान कर रही थी ना ये। हाँ, एक ही मक्खी है, वो कभी किचन में जा रही है, कभी बेडरूम में जा रही है, सोने नहीं दे रही। एक तो हम लोगों को ना आदत नहीं है मक्खी मच्छर की, अगर एक मक्खी या मच्छर भी हमारे घर में घुस जाता ना, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है ना। और तेरे को इतना पसीना क्यों हो रहा है पंखे के नीचे नीचे भी, ले मेरा पर्स रख देना उधर। एसी होता तो तब तो सूख जाता पसीना, एसी चलाती हूं तेरे लिए बरसात में भी। जी मित्रों, यहां पर मैंने भिगा दिए हैं चने, यहां पर भिगा दिए हैं मटर, और यहां पर भिगा दिए हैं बादाम,
क्योंकि अलग अलग इसलिए भिगाए हैं क्योंकि चने अलग बॉईल करती हूँ और मटर अलग बॉईल करती हूँ, बट बनाऊंगी दोनों को एक साथ कढ़ाई में, फ्राई एक साथ करूँगी, बॉईल अलग अलग करूँगी क्योंकि चने देर में बॉईल होते हैं और मटर जल्दी बॉईल हो जाते हैं तो मटर ना गल जाएंगे अगर मैं कुकर में उसी के साथ उसको बॉईल करूँगी तो, इसलिए मैं अलग अलग ही भिगाती हूँ और अलग अलग बॉईल करती हूँ। फिलहाल जो है दक्ष चले गया खेलने, मैंने अपने लिए एक नमकीन मंगाई है, मैं इसको खाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद जो है पूजा पाठ करने का टाइम हो जाएगा तो उसके बाद वो करूँगी। मौसम हो रहा बहुत खतरनाक बारिश वाला और सुनने में ऐसा आ रहा है कि कल बच्चों की छुट्टी हो सकती है, बट अभी कुछ पता नहीं है। चने मटर तो मैंने भिगा दिया, अगर छुट्टी होगी भी तो हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट में जो है उसको खा लेंगे, बाकी देखते हैं क्या क्या होता है ना। तो जी मित्रों, खाना पीना हम लोगों ने खा लिया है, मतलब आज हमने खाने में खाए हैं मोमोज और चाउमीन और थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स हम लोगों ने पी है, ज़्यादा नहीं पी है, और यही हमारा आज का डिनर था। और दक्ष की पड़ गई है 4 दिन की छुट्टियां। हाँ जी, 4 दिन की छुट्टियां पड़ गई हैं। हाँ जी, इतना एक्साइटेड हो गया कि नंगा हो चुका है यहाँ पर, कपड़े खोल दिए सारे। गेम देखिए कैसा चल रहा है, मेरी दोस्त की आईडी, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमको 4 दिन की छुट्टियां पड़ गई तो तुमको कैसा फील हो रहा है, कि तुम क्या क्या करोगे इन 4 दिन? दिल से खुशी हो रही है। बताइए सर, कैसा लग रहा है आपको? दिल से खुशी, खुशी दिल से ही होती, दिमाग से तो होती नहीं है। और बाकी क्या क्या सोचा है 4 दिन तक, क्या क्या करोगे? पूरी रैंक पुश करूंगा गेम में, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये क्या होता है, इसका मतलब छुट्टी होगा, इससे अच्छा तुम स्कूल चले जाओ। तो जी ये तो बस गेम की बातें कर रहा है कि गेम में पूरी मास्टर पुश करूंगा, अभी हीरोइक पहुंच गया हूं। किसी को इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा गेम देखने में? सबको है। तो जी इसी के साथ इस ब्लॉग को हम लोग एंड करते हैं। 4 दिन की छुट्टियां, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है ना, अगर कहीं बाहर जाने जैसा होता ना, सीरियसली हम लोग बाहर चले जाते घूमने फिरने के लिए कहीं, बट ऐसा कुछ है नहीं पॉसिबल कहीं से कहीं तक, तो क्या ही कर सकते हैं ऐसे। फिलहाल इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है दक्ष कार की। जल्दी मिलेंगे नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय, गुड बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।